नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम हमारे विचारों को कैसे शुद्ध करें, क्योंकि विचारों की शुद्धता बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब कभी हमारे दिमाग में हमारे विचारों को शुद्ध करने की बात आती है तो सबसे पहले एक ही नाम आता है और वो है मेडिटेशन। तो क्या मेडिटेशन के द्वारा ही हम हमारे विचारों को शुद्ध कर सकते हैं? किसी और तरीके से या किसी और उपाय के द्वारा क्या हम हमारे विचारों को शुद्ध नहीं कर सकते? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या कोई दूसरे भी रास्ते हैं जिसके द्वारा, जिसके थ्रू हम हमारे विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम वो कौन से उपाय हो सकते हैं। विचारों को शुद्ध करने के तरीके जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हमारे विचारों को दूषित, हमारे विचार दूषित कैसे हो जाते हैं या दूषित होने के रीज़न क्या हैं, या यूँ कहें कि हमारा जो नकारात्मक विचार है, हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार है वो प्रवेश कैसे करते हैं। ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिसके द्वारा नकारात्मक विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है आँखों का। आँख वो पहला रास्ता है जिसके द्वारा कोई भी विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। आज हम बात कर रहे हैं नकारात्मक विचारों की। तो जिस प्रकार के दृश्य हम देखेंगे, जिस प्रकार की सीन हम देखेंगे, उसी तरह के विचार हमारे अंदर उत्पन्न होंगे। सपोज़ करिए आप एक छोटे से बच्चे को रोता हुआ देख रहे हैं तो आपको कैसे विचार आएंगे? आपको करुणा के विचार आएंगे। लेकिन अगर आप मारधाड़ वाले कोई सीन को देख रहे हैं या कहीं कोई लड़ाई वड़ाई देख रहे हैं तो आपके अंदर किस प्रकार का विचार आएगा? रौद्र, गुस्से का विचार आएगा। तो जिस प्रकार के सीन आप देखेंगे, जिस प्रकार के दृश्य आप देखेंगे, उसी प्रकार के विचार आपके अंदर उत्पन्न होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रास्ता बंद करना है, यानी कि ऐसा नहीं कि इसके लिए आँख फोड़ लेना है, वो मतलब नहीं मेरा, लेकिन अगर ये रास्ता बंद करना है कि इस रास्ते से कोई भी नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आए, तो आप इस प्रकार के सीन देखना बंद कर दीजिए। मतलब इस प्रकार के दृश्य अगर आपको दिखते हैं भी थोड़ी देर के लिए, तो आप वहाँ से हट जाइए। मत देखिए किसी की लड़ाई, मत देखिए आप किसी के गलत काम, आप अच्छे काम देखिए, अच्छी चीज़ देखिए, कहीं पर अच्छा काम हो रहा तो उसको देखिए, अपने आप सकारात्मक विचार वहाँ से आने लगेंगे। ठीक है, ये था पहला रास्ता। दूसरा रास्ता है हमारे कान। कान वो दूसरा रास्ता है जिसके द्वारा कोई भी विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। अगर मान लीजिए कोई चार लोग किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की आलोचना कर रहे हैं, अगर हम उसको सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग बात कर रहे हैं किसी की बुरी बात कर रहे हैं, किसी की आलोचना कर रहे हैं, हम उसे सुन रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा? थोड़ी देर तो हम सुनेंगे और उसके बाद हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और हम भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे या अपने भी विचार प्रकट करने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि आप उन नकारात्मक विचारों के अधीन होते जा रहे हो। इसी टाइप से अगर हमारे इस रास्ते को बंद कर लें, यानी कि हम किसी की बुराई ना सुने, हम किसी से कोई कहीं गाली गलौज दे रहा है तो हम उसे ना सुने, उसे अवॉइड करें, वहाँ से उठ के चले जाएँ। सबसे अच्छा रास्ता बताया है किसी महापुरुष ने कि अगर कहीं पर इस प्रकार की बातें हो रही हो, कहीं पर किसी की चुगली हो रही है, कोई गाली गलौज हो रही है, तो सबसे अच्छी बात है वहाँ से निकल जाना। आप वहाँ से निकल जाइए। जब आप वहाँ रहेंगे ही नहीं तो आपको बातें आपके कान में आएगी नहीं, आपके कान में आएगी नहीं तो आपके मस्तिष्क जाएगी नहीं। इसका मतलब ये रास्ता भी आप बंद कर सकते हैं, बहुत ईजिली आप बंद कर सकते हैं। खुद भी किसी की बुराई मत करिए, खुद भी किसी से बुरा भला मत कीजिए और किसी की सुनिए भी मत, किसी की बुरे भली बात सुनिए भी मत, किसी की चुगली आप सुनिए भी मत, करिए भी मत। अगर ऐसा कर लेते हैं तो आप इस नकारात्मक विचारों से बच जाओगे, तो आपने इस रास्ते को भी आसानी से आप बंद कर सकते हो। तीसरा रास्ता है वो है खानपान। जिस तरह का आप खाना खाते हो, जिस तरह का भोजन आप लेते हो, उसी तरह का आपका विचार भी बनता है। किसी ने सच ही कहा है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, यानी जिस प्रकार का आप खाना खाते हो उसी प्रकार से आपके विचार भी उत्पन्न होते हैं। अगर आप ज़्यादा गलिष्ठ भोजन करते हो या ज़्यादा तामसी प्रवृत्ति के भोजन करते हो तो आपको उसी प्रकार के विचार आएंगे, लेकिन आप सात्विक भोजन करते हो, शुद्ध भोजन करते हो, तो आपके अंदर सकारात्मक विचार आएंगे। तो आप ध्यान रखिए खाते समय कि आप किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं। जिस प्रकार का भोजन करेंगे उसी प्रकार के आपके विचार उत्पन्न होंगे। तो ये तीन रास्ते थे जिसके थ्रू आपके अंदर कोई भी विचार प्रवेश करते हैं। और समय रहते अगर आपने इन नकारात्मक विचारों को नहीं रोका, तो ये नकारात्मक विचार जब भर जाएंगे आपके अंदर तो आपका नेचर नकारात्मक हो जाएगा, आपका नेचर नेगेटिव हो जाएगा। और जब विचार ज़्यादा हो जाते हैं, किसी एक तरीके के विचार, जैसे मैंने नेगेटिव के विचार की बात करी, तो जब नेगेटिव विचार आपके अंदर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएंगे,
यानी विचारों से ऊर्जा बनती है। तो जब जिस दिन भी विचार ज़्यादा होंगे, जिस समय आपके विचार ज़्यादा हो जाएंगे नेगेटिव विचार, तो वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जिस इंसान के अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो लो हो जाती है। ये तो आपको पता ही होगा कि जिस भी चीज़ की अधिकता होती है तो उससे अपोजिट चीज़ न्यूनतम हो जाती है। तो जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप होने लगेगी और ज़्यादा हो जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी जो है वो कम होने लगेगी। और जैसे जैसे पॉजिटिव एनर्जी कम होने लगेगी आपके अंदर की, तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर हावी होने लगेगी। और नकारात्मक शक्तियाँ आप अच्छे से जानते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ जैसे भूत प्रेत जादू टोना, ये सब नकारात्मक शक्तियाँ हैं, इनका बोलबाला हो जाएगा। हर कभी आपको इन चीज़ों से प्रॉब्लम होने लगेगी। तो अगर इन चीज़ों से आपको बचना है, तो समय रहते आप अपने अंदर नकारात्मक विचारों को आना बंद करिए, क्योंकि जब विचार आना बंद होंगे तभी ये एनर्जी कम होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। और नकारात्मक विचारों को कम करना बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप अपने नकारात्मक विचारों को कम कर सकते हैं। सपोज़ करिए आपको ये बात नहीं मालूम थी, मतलब आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा था पहले कि किस प्रकार से हम हमारी नकारात्मक विचारों को दूर करें। अब आप नकारात्मक बन चुके हो, सपोज़ करिए आपका नेचर नकारात्मक हो गया, अब इसे कैसे दूर करें? तो इसका भी बहुत सरल सा उपाय है, आप आसानी से अभी भी अपने नकारात्मक विचारों को, अपनी नकारात्मक जो आपकी टेंडेंसी बन गई है या आपके नकारात्मक जो सोच बन गई है या आपका नेचर ही नकारात्मक बन गया है, उसे भी आसानी से आप पॉजिटिविटी में या पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहला उपाय, आप क्या करिए कि जो नमक होता है हमारा, समुद्री नमक जिसको कहते हैं, वो जिसमें डले होते हैं बड़े बड़े ऐसे पीसेस होते हैं, तो समुद्री नमक, या अगर समुद्री नमक उपलब्ध, वैसे सबसे अच्छा समुद्री नमक होता है, लेकिन अगर समुद्री नमक उपलब्ध नहीं है आपके इधर, तो आप जो सेंधा नमक होता है उस सेंधा नमक को पानी में डालिए, और पानी में डाल के उस पानी से आप नहाइए, स्नान करिए, क्योंकि नमक में वो शक्ति होती है जो आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी को खींचती है, एब्जॉर्ब करती है, आपके अंदर से नेगेटिविटी को बाहर निकालेगा नमक। तो नमक के पानी से आप नहाइए, ये आपका पहला उपाय हुआ अगर आप नेगेटिव हो गए हैं तो। दूसरा उपाय, आप क्या करिए कि जो गूगल होता है, गूगल, मैंने नेट वाला गूगल की बात नहीं करी, एक गूगल होता है जिससे धुनी देते हैं हम लोग, तो एक उपला लीजिए, उसको जलाइए, उसके ऊपर गूगल डालिए, गूगल से धुआं निकलता है, बहुत वो अच्छा रहता है। वो धुएं को आप अपने आजू बाजू करिए, मतलब अपने सामने रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, तो उससे धुआं आपके साथ आएगा, आपके आजू बाजू आएगा, तो वो धुआं क्या करेगा, आपके अंदर की नेगेटिविटी को खींचेगा, आपकी नेगेटिविटी को अंदर से बाहर निकालेगा। इस तरीके से भी आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तीसरा है कपूर, कपूर जिससे हम आरती करते हैं, इसीलिए आपने शायद देखा होगा हमारी पूजा पाठ में हम कपूर से भगवान की आरती करते हैं, तो उस कपूर को जलाइए अपने आजू बाजू, उस कपूर की जो सुगंध होती है, खुशबू होती है, उसके द्वारा भी आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी बाहर आएगी और आपके अंदर सकारात्मकता अंदर जाएगी। चौथा उपाय है, बहुत अजीब सा उपाय लगेगा आपको, लेकिन वो है ताली बजाना। इसीलिए शायद पहले आरती में या कहीं पर भी जब हम जाते हैं तो वहाँ पर तालियाँ बजती हैं, मंदिरों में आपने देखा होगा ताली बजती है, तो तालियाँ बजाने से आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर भागेगी। तो जब आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी तो आपके अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगी, तो आपको चाहिए कि आपके आजू बाजू जो नेगेटिव एनर्जी है आप उसको ताली बजा के दूर भगाएं। और बाकी के जो तीन उपाय बताए थे मैंने, उसके थ्रू आप अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से आप इन चार उपाय को कीजिए, आपके अंदर थोड़े ही दिन में देखेंगे कि आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं और आपकी नेगेटिव एनर्जी सारी गायब हो गई है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम एक नए विषय के साथ, तब तक आप खुश रहिए और मुझे दीजिए आज्ञा।